मेरे प्यारे सभी भक्तों और सभी बच्चों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला है या नहीं है, मतलब हमेशा डाउट में रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी दुनिया को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से चलाने के लिए कोई ना कोई शक्ति तो ज़रूर ही इस धरती पर विद्यमान है। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि इंसान पैदा होता है, मरता है, कोई भी प्रोसीजर में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाई देता है। वजह, कोई ना कोई इस धरती को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं ऊपर वाला है या नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप अपने ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो आपका पानी आराम से आ सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप 10वें माले पर रहते हैं तो उस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर चाहिए। जैसे कि आपको पता है, मोटर का इस्तेमाल करके हम उस 10वें माले तक पानी पहुंचा सकते हैं, मतलब मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने नारियल का पेड़ देखा है? 100-100, 200-200 फिट के ऊपर रहता है। नारियल के पेड़ में जो नारियल लगते हैं उसको हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर पानी निकलता है, मलाई निकलता है, वो कौन उसके अंदर डालता है? तो ईश्वर ने अपनी होने के सबूत हजारों दिए हैं, पर आप समझ सकते हो तो समझ लो। आपको पता है कोविड के समय में कितना बुरा हाल था ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट। इस यूनिवर्स में लाखों सालों से यूं ही ऑक्सीजन बह रही है, क्या किसी ने तुमसे कोई चार्ज मांगा? ऊपर वाला हमें बहुत कुछ देता है, बस उसके चमत्कार हम समझ नहीं पाते हैं। जब समझते हैं तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो आप ईश्वर के बच्चे की तरह रहिए, खुद खुश रहिए, समाज के लिए खुशकारी बनिए और समस्त भाईजनों को खुश रखने की कोशिश।